ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change. Welcome everyone, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स के बारे में जो एक बिगिनर करता है अपने फोटो मैनिपुलेशन के आर्टवर्क के दौरान। यानी जो चीज आपको आज से एक दो साल बाद पता चलेगी सीखते सीखते, उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा और आप अपने गेम में काफी आगे निकल जाएंगे। तो एज अ बिगिनर जब मैं फोटो मैनिपुलेशन में आया था और तब मुझे कोई ये सब बातें बता देता तो मैं काफी जल्दी बहुत सारी चीजें सीख जाता। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा, मेरा आर्टवर्क अच्छा लग नहीं रहा है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो एज अ बिगिनर जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ पाएंगे कि आप जो आर्टवर्क पहले बनाते थे और ये पॉइंट कंसीडर करने के बाद बनाएंगे उसमें कितना फर्क आएगा। पहला पॉइंट आता है फोटो मैनिपुलेशन सही से ना सीखना और फोटोशॉप की कई टूल्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी ना होना। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फोटो मैनिपुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सही से फोटोशॉप को सीखिए, उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो जानिए। प्लस में फोटो मैनिपुलेशन जब आप कर रहे हैं तो कुछ फोटो मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं। फोटो मैनिपुलेशन ये नहीं कि आपने इमेज ली और फोटो मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया उनको ब्लेंड, इस तरीके से ये चीज़ वर्क नहीं करती है। उसमें भी लॉजिक होता है एक प्रॉपर, लाइक पर्सपेक्टिव का, लाइट का, कलर का, कॉन्ट्रास्ट का, कौन चीज़ कितनी दूर रहेगी, किसकी साइज़ कितना रहेगा, ये सब एक पूरा पता है लॉजिकल चीज़ पे बेस्ड है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो अच्छी बात यह है कि मैंने कोर्स बना रखा है फोटो मैनिपुलेशन का, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसकी एक बात और है कि जब मैंने फोटो मैनिपुलेशन सीखना स्टार्ट किया था तो यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कोर्स नहीं था जो प्रॉपर फोटो मैनिपुलेशन सिखा रहा हो, तो इस चलते मैंने खुद का एक कोर्स बनाया जब मैं सीख गया। हाँ, अभी भी लर्निंग चल रही है लेकिन जितना मैंने सीखा मैंने पूरा उस कोर्स में डाला है, आप एक बार देख सकते हैं और फिर आपको आइडिया होगा कि फोटो मैनिपुलेशन वर्क कैसा करता है। मेरे चैनल पे सबसे हिट होने वाला प्लेलिस्ट है फोटो मैनिपुलेशन का कोर्स, जिसे आपको देखना चाहिए अगर आपको फोटो मैनिपुलेशन के बारे में जानना है तो। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके गेम को काफ़ी आगे बढ़ा देगा। और आपको जितनी फोटोशॉप की जानकारी होगी, जैसे फोटोशॉप के लेयर्स क्या होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास्किंग कैसे करते हैं, उतनी ही आसानी से आप आर्टवर्क बना पाओगे और आपकी इमेजिनेशन और आगे जा पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यार बहुत सारे टूल्स हैं जिससे अलग अलग आप काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इमेज सिलेक्शन का। अगर आप फोटो मैनिपुलेशन के लिए कोई इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो बिगनर के साथ जनरली क्या होता है कि वो जल्दबाजी में या तो नॉइज वाली फ़ोटो ले लेंगे या ब्लरी ले लेंगे या जिसका साइज़ कम हो पिक्सेलेशन, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको थोड़ा टाइम देना है और अच्छी क्वालिटी की इमेज लेनी है पहली। दूसरी चीज़, जो आप इमेज सिलेक्ट कर रहे हो ना वो गलत इमेज नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी तो हमने ले ली, इमेज एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। कैसे, जैसे आप तीन चार इमेज ब्लेंड कर रहे हो तो हर एक इमेज का पर्सपेक्टिव आपको देखना है और लाइटिंग देखना है। लाइटिंग कैसे कि अगर आप दो तीन इमेज ले रहे हो तो अगर पहली इमेज में मान लीजिए लाइट इस तरफ से आ रही है तो शेडो इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक कार की इमेज ली और लाइट इस तरफ से आ रही है तो शेडो यहाँ पे बनेगा ना, ठीक है। तो दूसरी इमेज मान लीजिए मैं कार के बाजू में एक आदमी को खड़ा करना चाह रहा हूँ, तो उस आदमी के फोटो में भी अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो शेडो इस तरफ से बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रिलेटेड फोटो ली, ये नहीं कि लाइट ऊपर से आ रही है शेडो नीचे बन रहा है या फिर ऐसे लाइट आ रही है शेडो साइड बन रहा है। इससे हुआ क्या कि आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी लाइट चेंज करने में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ले रहे हैं, और बिगनर्स तो लाइट चेंज भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि यार लाइट का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है और ऐसे ब्लेंड करने लग जाते हैं, फिर आपको क्या चलता है कि यार एंड में कुछ ना कुछ गलत है। तो इमेज सिलेक्शन पक्का कीजिए, पर्सपेक्टिव अच्छा रखिए। पर्सपेक्टिव से ये मतलब है कि ऐसे नहीं कि कार की इमेज जो आपने ली है वो नीचे वाले कैमरे से ली गई हो, यानी नीचे से, और कार थोड़ी ऊपर साइड दिख रही हो, और कोई बंदे की इमेज है वो ऊपर से ली गई और बंदा थोड़ा नीचे साइड दिख रहा हो, तो पर्सपेक्टिव ऐसे काम नहीं करता है। मैंने कोर्स बनाया है वहाँ आप देख लीजिए। तो इमेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपको पता नहीं चल पाएगा आप गलती क्या कर रहे हैं। फोटोशॉप कोई 3D टूल नहीं है, 3D चीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि आप चेंज करें एंगल, ये 2D है। तो आपको इमेज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, पर्सपेक्टिव का, इमेज की क्वालिटी का, लाइटिंग का, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि अब आप बोलेंगे कि हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे कहाँ से, तो बिगनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब भी वो इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ ही इमेज देखते हैं और उसमें से एक काम चलाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हाँ यार क्या अब मिल ही नहीं रहे इमेज इस वेबसाइट पे, तो इतनी ही सही इमेज हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी जिसमें मैंने टॉप 5 वेबसाइट्स बताई है जहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और सब के सब फ्री हैं, आप यूज़ कर सकते हैं।
और कैसे आपको अपने मन पसंदीदा इमेज सर्च करना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। और हाँ, जब सोर्स आपके पास बहुत सारा रहेगा ना, जब बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी आपके पास वेबसाइट कि आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं वहाँ से, तो चांसेस अच्छे हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी इमेज सेलेक्ट कर पाए। थर्ड पॉइंट है शेडो और हाईलाइट का मिसमैच होना, और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जितने भी बिगनर्स हैं उनमें देखा गया है कि यार वो इमेज ब्लेंड कर रहे हैं, बहुत सारी इमेज ला रहे हैं, साथ में लग रहे हैं, पर वो एक चीज़ पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि लाइट और शेडोज को मैच करना है। अब आपको करना क्या, जब भी आप आर्ट वर्क बनाए तो पहले डिसाइड करें कि लाइट किस साइड से आएगी, कोई एक दो डायरेक्शन होगी जहाँ से लाइट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट की लाइट आपको चेंज करना है। अगर लाइट इस साइड से आ रही है तो हर एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लाइट रहेगी, यहाँ पे शेडो बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे कॉमन गलती है कि लाइट और शेडो मिसमैच नहीं करना। जितने भी आप इमेजेस ले रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सब पे लाइटिंग का वर्क करना पड़ेगा आपको। चौथा पॉइंट आता है एज अ बिगनर हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क से स्टार्टिंग में ही बनाना शुरू कर देते हैं। लाइक 10-15 इमेज को एक साथ लाए और ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया, कलर मैच शुरू कर दिया, इसमें टाइम भी आपका बहुत लगता है और आपका दिमाग भी बहुत खर्च होता है। तो आपको शुरू क्या करना है, आपको शुरू में सिर्फ 2-3 इमेज ही ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। आप 2-3 इमेज से शुरू कीजिए, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा फिर 4-5 इमेज को लाइए, फिर 9-10 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कम इमेज से रख के ब्लेंड करना पहले सीखना है, उनको पहले प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाना है। ये नहीं कि आप 10-15 इमेजेस आप ले आए, आप बना रहे हो, टाइम दे रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, इतना सारा वर्क करना पड़ रहा है। तो एज अ बिगनर आप पहले नॉर्मल ब्लेंडिंग पे वर्क कीजिए, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस आएगी तो आप बहुत सारी इमेज एक साथ ब्लेंड करें। और इसका एक रीज़न मैं दे दूँ ये होता क्यों है। हम जब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो अपने फेवरेट क्रिएटर को देखते हैं कि उसने आर्टवर्क बनाया होता है, तो हम सोचते हैं कि हम भी इसे रेप्लीकेट करें, यानी हम भी इसका डुप्लीकेट इसी तरीके से कुछ बना के देखें। हम क्या करते हैं कि मैं भी सिर्फ इस बंदे की तरह आर्टवर्क बनाऊंगा, इसने जैसा बनाया है मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इतनी सारी इमेज लाके आप एक बिगिनर हैं, आप ब्लेंड नहीं कर सकते, आपको प्रॉपरली सीखना होगा। और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे से हो क्यों नहीं रहा, इसने बनाया मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। तो पॉइंट ये कि पहले कुछ इमेज से सिलेक्ट करो फिर एडवांस जाना। फिफ्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मैजिक की तरह काम करेगा, कैसे, अपने आर्ट वर्क को टाइम देना। यानी अगर हम बिगनर होते हैं तो 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा अपने फोटो मैनिपुलेशन के वर्क को देते हैं, बात तैयार हो गया, अब इसे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे। आपको ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ करना क्या है कि आपकी फ़ोटो मैनिपुलेशन इंप्रूव होगी। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपने जो भी आर्ट वर्क बनाया है, जितना भी टाइम दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट, आप करिए क्या कि उसे पोस्ट मत कीजिए, उसको साइड में सेव करके रख दीजिए। अब 4 या 5 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद दोबारा उसको ओपन करिए और एक बार शांति से 1-2 मिनट बैठ के उसे देखिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ कमी नज़र आएगी उसमें और आप उसे इम्प्रूव करने बैठ जाएंगे। जब आप इम्प्रूव कर लें तो फिर आपको पोस्ट नहीं करना है, आपको फिर उसे क्लोज करके सेव करके रख देना है और फिर आपको 1-2 दिन बाद, 4-5 घंटे बाद उसको ओपन करना है और फिर देखना है कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं, अगर आप ये 3 से 4 बार करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने जो पहले आर्टवर्क बनाया था और उसको रिवीजन, उसमें दोबारा चेंज करते करते आप जो नया आर्टवर्क बनाएंगे ना, उसमें काफ़ी फर्क होगा। आपको खुद पता नहीं चलेगा एज अ बिगनर आपने कितना इम्प्रूव कर लिया उस आर्टवर्क को। ये चीज़ होती है अपने आर्टवर्क को टाइम देना। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आर्टवर्क को काफ़ी टाइम देते हैं, एज अ बिगनर हम नहीं दे पाते। तो मैं ये टेक्निक सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। जो चीज़ आप 1-2 घंटे में बना रहे हो ना, और जो चीज़ आपको 4-5 घंटे लग रहे हैं बनाने में, उसमें काफ़ी फर्क आता है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्प करेगी आपके लिए। नाउ लर्न कंपोजिटिंग, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोटो मैनिपुलेशन सीख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाओगे और कई ट्यूटोरियल्स देखोगे डिफरेंट टाइप की, यार लाइट कैसे देते हैं, कोई इफेक्ट आ गया, और अलग अलग चीज़ें बनाना सीखोगे। लेकिन आपको जो एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है फोटो मैनिपुलेशन, वो होता है ब्लेंडिंग वर्क और कंपोजिटिंग, एक ही चीज़ होती है। कंपोजिटिंग का मतलब होता है कि कितने सारे इमेज या एलिमेंट ला रहे हो ना, उन्हें प्रॉपरली कलर मैच कैसे करते हैं, लाइट मैच, कॉन्ट्रास्ट मैच, सैचुरेशन मैच, ये सब कैसे अच्छे तरीके से मैच करके एक प्रॉपर इमेज बनाया जाता है, ठीक है, इसे कंपोजिटिंग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको कंपोजिटिंग के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, कंपोजिटिंग की वीडियो देखो, समझो कंपोजिट वर्क कैसे करता है और आप कैसे अपने आर्ट वर्क को आगे ले जा सकते हो इस चीज़ से।
आप YouTube पे जा रहे हो, डेली वीडियोस देख रहे हैं कैसे एक लाइटिंग इफेक्ट देते हैं फोटोशॉप में, कैसे स्प्लैश इफेक्ट देते हैं, डुअल टोन इफेक्ट, ये सब मत देखो। आपको सिर्फ देखना है कंपोजिटिंग कैसे करते हैं। कंपोजिटिंग ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटो मैनिपुलेशन के लिए, तो कंपोजिटिंग पे ज़्यादा ध्यान दो इन कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। नाउ ये पॉइंट आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप माउस यूज़ करते हैं तो एक टैबलेट ले सकते हैं जो काफ़ी आपको एडवांटेज देगा। आप टैबलेट दिखता कैसे है, ये टैब है ठीक है, और ये पेन है, इसको रख के आप यूज़ करते हो, और ये माउस का सेम काम करता है, जैसे ये टैब है ये माउस है। अब माउस आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं एक दो साल से माउस यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ ठीक है, मैं सिर्फ टैब यूज़ करता हूँ, इससे मेरा पूरा काम हो जाता है, ये माउस की तरह ही वर्क करता है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आपको ये चीज़ पता ना हो, ये टैब काफ़ी यूज़ होता है ड्राइंग के लिए, आर्ट वर्क के लिए, ये आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। अब आपका बजट है, आप अगर कोई महंगा सा माउस लेने की सोच रहे हो तो आप उसकी जगह ये टैबलेट कंसीडर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बजट है तो भी आप खरीद सकते हो, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप माउस से भी काम कर सकते हो, लेकिन इनकेस मैंने बता दिया इस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो। दूसरी चीज़, अगर आप फ्यूचर में लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो या कंप्यूटर खरीदने का सोच रहे हो, तो उसमें एक बात आ जाती है कि जितना हम क्या होता है परफॉर्मेंस देखते हैं कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए कितना अच्छा, और फिर खरीदते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में हो तो परफॉर्मेंस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके डिस्प्ले क्वालिटी, वो कलर कैसे दिखा रहा है। तो अगर आप फ्यूचर में कोई भी लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो ना, तो उसमें एक चीज़ देख लेना कि उसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। अभी के लिए मैं बता दूं कि एप्पल सबसे अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, बहुत एक्यूरेट कलर्स होते हैं, लेकिन HP, डेल ये सब भी आते हैं जो अच्छे अच्छे डिस्प्लेस देते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए रिसर्च कर सकते हो। तो आपसे ये गलती अगली बार नहीं होगी कि यार मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर ही पूरा पैसा दे दिया और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी ही नहीं है, मेरे आर्ट वर्क्स में कलर सही आ ही नहीं रहे हैं। और अगर आपको टैब खरीदना है तो मैंने एक दो वीडियो बना रखे हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से टैब देख सकते हैं कौन सा कंसीडर करना चाहिए आपको। मैंने दो टैब बना रखे हैं बजट के अकॉर्डिंग, वो दोनों टैब की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो और कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लेना हो। नाउ लास्ट बात है, वो एक एडवाइस की तरह आएगी कि कभी भी अपने आर्ट वर्क को कंपेयर मत करना किसी भी आर्टिस्ट से। ये एक कॉमन चीज़ है जो कई लोग करते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम एक आर्ट बना रहे हैं, हम दूसरा तीसरा चौथा बना रहे हैं, हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि सामने वाले ने जैसा आर्ट वर्क बनाया है वैसे ही मैं बनाऊँ या उससे अच्छा बनाऊँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उस लेवल पर नहीं पहुँच पाते ठीक है, और डीमोटिवेट होकर छोड़ने लगते हैं। तो मैं ये बोलूँगा यार तुम्हें कंपेरिजन करना है खुद के आर्ट वर्क से, जो आज तुम बना रहे हो ठीक है, और जो आज 4 दिन पहले बनाया था उसे कंपेयर में देखो कितना इम्प्रूव किया है। ये नहीं कि हाँ, ये अच्छी बात है कि हम दूसरे आर्टिस्ट को देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि वो क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके आर्ट वर्क देख के आपको बस डीमोटिवेट हो जाना है कि यार मैं नहीं बना पा रहा हूँ उस तरीके से। आप एक बिगिनर हैं, आप समझो सामने वाले ने कितना टाइम दिया है उस चीज़ को बनाने में, आपको भी उतना टाइम देना होगा, और वो आर्टिस्ट भी तो कभी बिगनर ही था ना, तो सब इम्प्रूव करते हैं, आप टाइम आते आते इम्प्रूव कर लोगे, बस उस पर थोड़ा बिलीव होना चाहिए और बस कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन सब के लिए रिलेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये काफ़ी यूनिक्स वीडियो है, मैं जितने भी अपलोड करता हूँ तो आप एक बार देखोगे तो आपका गेम काफ़ी ऊपर चला जाएगा फोटो मैनिपुलेशन का, आप कंसिडर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।